आप सभी बच्चों को नमस्कार। प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग आ जाएं। हम लोग अपनी लाइव क्लास। बच्चों, जब तक सभी लोग नहीं आ जाते तब तक हम लोग कल की क्लास के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसको रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने जो डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आप सभी लोग जानते हैं कि डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम सबसे पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम था, दूसरा और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम था। कैपिटलिस्ट हमने आप लोगों को उनके फीचर्स बताए थे, जिनमें सबसे प्रमुख फीचर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का था कि वहां पर जो मीन्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेटली, और उनका लक्ष्य ऑब्जेक्टिव्स मोटिव होता है। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। जो दैट इज गाइडेड बाय दिस डिमांड एंड सप्लाई। इसके प्राइस क्या होंगे? इट इज टू बी डिटरमाइंड। कंज्यूमर की सॉवरेनिटी वहां पर होती है। व्हाट एवर कंज्यूमर्स डिमांड दैट इज प्रोड्यूस्ड। एंड एज फार एज सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इज कंसर्न्ड, वहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर ओनरशिप, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट गवर्नमेंट की होती है। जब मैनेजमेंट ओनरशिप और कंट्रोलिंग गवर्नमेंट की होती है तो प्राइस मैकेनिज्म में गवर्नमेंट की से होती है। वहां पर मार्केट फोर्सेस के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस नहीं डिटरमाइन किए जाते हैं। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। दियर मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इन द सेम वे इफ यू लुक एट कंज्यूमर की सॉवरेनिटी यहां पर नहीं होती है, जैसा कि हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में देखते हैं। अब अगर आप दोनों के पॉजिटिव फीचर्स को मिला दें तो दैट इज द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। एंड आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। जब इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया तो कल जब हम लोग ने पूछा था सर कि मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स ठीक से समझ में, बच्चों एक बार मैं फिर से मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स को क्लियर कर देता हूं कि यहां पर सरकार दोनों मिलकर के काम करते हैं। बात क्या है कि यहां पर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी तो होती ही होती है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स की भी से होती है। उसके पीछे का उद्देश्य ये होता है कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट भी सर्व किए जा सकें और जो सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का उसको भी रियलाइज किया जा सके। तो दोनों को साथ में लेकर के चला जाता है।
नंबर टू, बहुत सारी गुड्स ऐसी होती हैं जिनका प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर्स नहीं कर पाते, और एक बहुत बड़ा तबका भी होता है देश में जिसको चीप रेट पर गुड्स एंड सर्विसेज मिलें, उसके लिए जरूरी हो जाता है कि सरकार आगे आए और उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करे जिससे चीप रेट पर इन वस्तुओं और सेवाओं को गरीब लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो ये चीज आप देखें, इट इज एक्चुअली यूनिक फीचर ऑफ आवर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम दैट वी अडॉप्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब अगर तीसरी चीज आप देखें तो जो प्राइस मैकेनिज्म है, बाय वर्च्यू ऑफ दैट सम प्राइसेस ऑफ यू नो गुड्स एंड सर्विसेज टू बी डिटरमाइंड बाय द प्राइवेट प्लेयर, बट एट द सेम टाइम दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर वेरी मच इसेंशियल फॉर द कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री, दे आर टू बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, दैट इज बाय द गवर्नमेंट। तो अगर आप इन फीचर्स को देखें तो आपको ये पता चल जाएगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ काइंड ऑफ सिस्टम वेयर द फीचर्स ऑफ बोथ द इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज द सोशलिस्ट एंड मार्केट इकोनॉमी, दैट इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इज कंबाइंड टूगेदर एंड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड सिचुएशन ऑफ द कंट्री इट वॉज नेसेसरी टू हैव अ दिस काइंड ऑफ सिस्टम। क्योंकि अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही ले लेते तो जो हमारे यहां मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं उनको हम सर्व नहीं कर पाते, और अगर हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी को लिया होता तो कैपिटल की जितनी प्रॉब्लम थी उस समय हमारे पास, तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं से भी धन इकट्ठा नहीं कर पाते। इसलिए आवर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यू मस्ट हैव गॉट द पॉइंट दैट वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे, एंड टुडेज आवर टॉपिक इज इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। हमारे देश में, हमारी देश में किस तरह से इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है? आप सबसे बड़ी चीज है कि इकोनॉमिक प्लानिंग किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग कुछ भी नहीं बल्कि हाउ टू यूटिलाइज यू नो अवेलेबल रिसोर्सेस इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। व्हाट एवर रिसोर्सेस वी हैव दैट इज टू बी यूटिलाइज्ड इन सच अ वे सो दैट वी कैन हैव अ बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर हम इकोनॉमी को, कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट को, जो उपलब्ध संसाधन हैं उनके माध्यम से हम उनको त्वरित गति से करें और जो नेशनल प्रायोरिटीज हैं उनको इम्बाइब करते हुए, अब सवाल ये उठता है कि नेशनल प्रायोरिटीज क्या होती हैं? आप बच्चों जानते हो कि हर एक राष्ट्र की अपनी इकोनॉमी होती है और उस इकोनॉमी के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आइडेंटिफाई एक्चुअली व्हाट आर आवर वीकनेसेस एंड व्हाट आर आवर यू नो सो जो भी वीक उनको आइडेंटिफाई और अकॉर्डिंगली प्लान को चॉक आउट करना कि किस तरह से किस सेक्टर को कितना अधिक उपलब्ध कराना है जिससे कि पूरे कंट्री का ओवरऑल बैलेंस डेवलपमेंट हो सके। तो आई होप कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब आप फिर से एक बार समझ लें कि जो भी उपलब्ध संसाधन हैं की सहायता से बेस्ट पॉसिबल वे में पूरे देश का ओवरऑल विकास करना, और जो किसके साथ में, जो नेशनल प्रायोरिटीज पहले डिटरमाइंड की जा चुकी हैं, यानी हमने पहले ही ये निश्चित कर लिया है कि हमें किस क्षेत्र में, मान लीजिए प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, तीन सेक्टर्स हमारे पास में हैं, इन तीनों सेक्टर्स को हम अगर सब सब डिवाइड करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ पर कितनी मात्रा में कौन से संसाधन नहीं हैं, किस चीज की अभी जरूरत है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं
कि ड्यू टू दिस यू नो ऑनगोइंग यू नो कोरोना प्रॉब्लम, इफ यू लुक एट नाउ द नेशनल प्रायोरिटी इज टू कम्बैट दिस ऑनगोइंग प्रॉब्लम। तो अब इस ऑनगोइंग प्रॉब्लम को कॉम्बैट करने के लिए सारे रिसोर्सेस, ऑलमोस्ट सारे रिसोर्सेस हमने इधर मोबिलाइज कर दिया है, जिससे पहले हमारे देश के लोगों की जान माल की रक्षा हो सके। ये नेशनल प्रायोरिटी का एक एग्जाम्पल है। अभी नेशनल प्रायोरिटी बिफोर दिस पैंडेमिक वॉज समथिंग डिफरेंट, बट ड्यू टू ऑन ऑफ सडन आवर नेशनल प्रायोरिटी हैज बीन चेंज्ड बिकॉज ऑफ दिस एपेडेमिक। तो अब उसके पश्चात हमारा सवाल ये है, हम इस बात पर विचार करते हैं कि वास्तव में व्हाई डू वी नीड प्लानिंग, हम प्लानिंग की हमें क्या आवश्यकता पड़ती है। एक सवाल हमारे मन में उठता है कि हम प्लानिंग को क्यों इनिशिएट करते हैं, हमें इसकी हमारे इकोनॉमी में क्या जरूरत है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको चार पांच चीजें जो है जो अवश्य जाननी चाहिए कि हमें नेशनल लेवल पर जब हम प्लान को अपने चाकआउट करते हैं तो कुछ इश्यूज होते हैं जिनको हमें एड्रेस करना होता है। जैसे टू रिड्यूस द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नीड फॉर द प्लानिंग इज टू रिड्यूस द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इफ यू लुक एट पॉवर्टी इज अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, सो हाउ इट इज टू बी एड्रेस्ड। इट कैन बी एड्रेस्ड ओनली बाई चॉकिंग आउट द प्रॉपर प्लान। जब हम ये प्लान करेंगे कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इतना पैसा खर्च करना है, लोगों को एजुकेट करने में इतना पैसा खर्च करना है, और फिर उससे किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलेंगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के माध्यम से फिर हम अपनी जो हमारी पॉवर्टी रिड्यूस करने की जो विशेष सर्कल बन गई है उस पर हम काम करेंगे और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा हम प्लान को क्यों चाहते हैं, पहला पर्पज हमारा ये है कि हम विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी का रिडक्शन कैसे करें, कैसे उससे हमको निजात मिले। अब अगर आप देखें तो दूसरी चीज जो है वो है कि कैसे हम सोशल इंटरेस्ट, मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बजाय सोशल इंटरेस्ट को कैसे इंप्रूव करते हैं। अब यहां पर इस चीज को समझ लेना जरूरी है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोशल वेलफेयर, इंडिविजुअल वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर, आप इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी एक व्यक्ति को किसी प्लान योजना का अगर बेनिफिट होता है तो दैट इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री। व्हाट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री इज व्हाट एवर प्लान एंड प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन दैट मस्ट बी बेनिफिशियल टू ऑल। जब तक वो सभी के लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे तब तक हमारे लिए वो किसी भी तरह से लाभकारी नहीं हो सकता है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो तीन चीजें हमें इस मामले में ध्यान में रखनी है कि जब हम इन चीजों को करते हैं तो हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस पर ध्यान देना है कि जो भी रिसोर्सेस हैं दे आर टू बी यूटिलाइज्ड इन सच ए वे सो दैट वी कैन हैव अ मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम देम। मान लीजिए कि अगर हमारे पास कुछ भी जो भी मतलब है रिसोर्स, उस रिसोर्स को इस तरीके से यूज करें कि जिससे मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो सके और वो मैक्सिमम लोगों तक उसका जो बेनिफिट है वो पहुंच सके। अब प्लानिंग हम क्यों चाहते हैं, उसका चौथा पॉइंट है कि एक ऐसे सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। अब सवाल ये है कि व्हाट इज ए सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर इज सपोर्ट सिस्टम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। अब यही इंफ्रास्ट्रक्चर दो पार्ट में बच्चों डिवाइड होता है, एक पहले को इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में
ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आती हैं जो कि बहुत जरूरी हैं हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो वहां पर हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग। तो इफ यू लुक एट कि ये इतना बड़ा इश्यू है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें किस तरीके से बढ़ाना है, तो उसके लिए प्लानिंग की तो जरूरत पड़ेगी ही। अब मान लीजिए कि आपके फैमिली में 10 मेंबर्स हैं और कोई एक केवल कमाने वाला है, तो उसे ये प्लान जरूर करना पड़ेगा कि जो 5 या 4 पढ़ने वाले लोग हैं उनको किस तरह की एजुकेशन दें, किस तरह की एजुकेशन के लिए मोटिवेट करें, जिससे कि हमारे अवेलेबल रिसोर्सेस में से हम उनकी सारी डिजायर को फुलफिल कर सकें। अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो फिर आगे जा करके आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं। आपने बगैर प्लानिंग के स्टेप लिया तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप रिसोर्स न उपलब्ध करा पाए बच्चों को और वो बच्चे एजुकेशन लेने से वंचित रह जाए। तो इस बात को ध्यान में रखने के लिए कि अगर हम इन ऑर्डर टू डेवलप आवर इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, वी रियली नीड टू हैव अ इकोनॉमिक प्लानिंग। अब अगर आप नेक्स्ट आगे के लिए देखें तो जो क्षमा चाहते हैं बच्चों, जो चीज कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सपेडाइट द रेट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री, हमें अपने देश में कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए यानी पूंजी निर्माण के लिए कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, वहां पर कितना इन्वेस्टमेंट करना, इन सब चीजों को आ, आ, सामने रख करके विचार विमर्श करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्लानिंग करते हैं। ये सब क्या है? ये बिफोर एक्सक्यूशन, वॉट एवर प्लान वी आर चॉकिंग आउट बिफोर हैंड, दैट इज टू बी प्रॉपरली यू नो प्लांट। अगर इनको आप प्रॉपरली प्लान नहीं कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि जो भी आप स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें इस बात की अधिक संभावना होगी कि आप उसे पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो अब सवाल यह उठता है बच्चों कि जब 1947 में हम आजाद हुए तो आजादी के बाद इन सब कारणों से तो हमें प्लानिंग की जरूरत थी। तो अगर प्लानिंग की जरूरत थी तो उस प्लानिंग को करने के लिए कोई एक इंस्टीट्यूट भी रहा होगा जिसने ये सारी चीजें की होंगी। तो आपको बता दूं कि 1950 में 15 मार्च यानी मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन इन सब कार्यों को कैरी आउट करने के लिए स्टैब्लिश किया गया। द नेम ऑफ द यू नो बॉडी दैट वॉज लुकिंग आफ्टर ऑल दीज एक्टिविटी ए वॉज प्लानिंग कमीशन एंड इट केम इन टू बींग इन मार्च 1950। मार्च 1950 में उसकी स्थापना हुई और द देन प्राइम मिनिस्टर, आई मीन टू से दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिकेम द फर्स्ट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। जवाहरलाल नेहरू जी पहले, और उसका चेयरमैन वही हो सकता है जो प्रधानमंत्री होगा आपके देश का। तो मान लीजिए कि जो भी लोग प्रधानमंत्री रहे वो अपने अपने समय में वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी रहे। तो प्लानिंग कमीशन के पास ये काम था कि हमें देश के संसाधनों का कैसे आकलन करना है, असेसमेंट करना है, फिर उनको किस तरह से लोगों में डिफरेंट सेक्टर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सारा काम स्वतंत्रता के बाद प्लानिंग कमीशन को दिया गया। प्लानिंग कमीशन की स्टैब्लिशमेंट आपको जैसे बताया मार्च 1950 में हुई। और ये प्लानिंग कमीशन बच्चों, आप इसे कहें कि बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन एंड फर्दर नीति आयोग केम इन टू बींग ऑन 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को जब 2014 में सरकार, केंद्र की सरकार बदली, तो उस समय उस सरकार ने यह कहते हुए प्लानिंग कमीशन को खत्म करने का फैसला लिया और उसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना की।
उन्होंने क्या आर्गुमेंट दिए, क्यों उसको प्लानिंग कमीशन को वो कंटिन्यू नहीं रखना चाहते थे। उनका कहना था कि प्लानिंग कमीशन ऊपर से नीचे एक आदेश देने वाली केवल संस्था है, यानी कि जो टॉप डाउन अप्रोच पर काम कर रहा हो कि टॉप से जो ऑर्डर मिलेगा नीचे वाले उसको फॉलो करेंगे। नीचे वाले कौन यहां पर? यहां स्टेट्स, क्योंकि प्लानिंग कमीशन के सारे स्टेट्स भी मेंबर होते हैं, तो केंद्र सरकार या उसके जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन यानी प्रधानमंत्री और जो उसका वाइस चेयरमैन होता था, डिप्टी चेयरमैन जो होता था, वो जो कुछ भी कह दिया वो राज्यों को सबको मानना पड़ता था। एक तरह से ये टॉप डाउन अप्रोच था। तो इस सरकार ने इस बात को खारिज कर दिया कि हमें टॉप डाउन अप्रोच से काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें एक ऐसे अप्रोच की जरूरत है जिसमें जितने भी मेंबर्स हों, जितने भी लोग हों, उन सभी की से इक्वल हो। यानी हमारे नए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक टीम इंडिया का नाम दिया कि हम एक ऐसी टीम इंडिया बनाएंगे जिसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ, यानी केंद्र सरकार के साथ साथ, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स भी हमारे साथ रहेंगे और हम सभी लोग मिल करके देश के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये नीति आयोग, जैसा कि आप जानते हैं, 1 जनवरी 2015 में इसका प्रादुर्भाव होता है और इसने यह निश्चित किया कि अब जितने भी इसके मेंबर्स होंगे उनको बराबर उनकी से होगी, उनकी सारी बातें सुनी जाएंगी। यानी दिस नीति आयोग विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद एक ऐसा टर्म है जिसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। जितने लोग उस मीटिंग में हैं, जितने लोग किसी इंस्टीट्यूट के मेंबर्स हैं, उनकी सबकी बराबर से बातों को तरजीह दी जाएगी और उनके जो कंसर्न्स हैं उनको वैल्यू किया जाएगा। तो सारे एक नए तरह से एक नई व्यवस्था बनाई गई जिससे कि किसी को ये न लगे कि हमको कम इंपॉर्टेंस दिया गया और किसी की ये कंप्लेंट न हो कि हमारे रीजन का डेवलपमेंट वो हैम्पर हुआ और उस क्षेत्र में नहीं हो पाया। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोग नीति आयोग, यानी कि जो जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई, अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या चीज है? NITI। अगर आप लोग देखें, इसे ध्यान से सुने, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप इसे, मैं देखता हूं कि कितने लोग कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म लिख करके देते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एंड आई होप कि आप सभी लोग लिख लेंगे, और देखता हूं कितने लोग लिखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग का फुल फॉर्म था। अब सबसे बड़ी चीज जो है बच्चों, कि नीति आयोग भी प्लानिंग कमीशन की तरह ही, इसका भी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होगा? वो देश का प्रधानमंत्री होगा। ये बात आप लोगों को नोट करने लायक है, आप इसे जरूर ध्यान से सुने और इसे नोट करें कि नीति आयोग का जो भी चेयरमैन होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा। जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का चेयरपर्सन होगा। अब नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन कौन होगा? उसमें सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो पहले नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन थे उनका नाम डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया था, लेकिन 2017 में उन्होंने अपने निजी कारणों से रिजाइन कर दिया। तो इस समय डॉक्टर राजीव कुमार जी वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग हैं। आप इसे नोट कर लें, क्योंकि अभी मैं लास्ट में आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं एंड आई होप कि आप उसको उसका आंसर करेंगे। तो आप इसे नोट करते जाएं। अभी मैंने आपको बताया कि वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग इज, हु इज द डॉक्टर राजीव कुमार। और एक चीज और साथ में ही नोट कर लीजिए कि इस नीति आयोग में, यानी जो प्लानिंग कमीशन
के तर्ज पर बनाया गया और उसकी भूमिका डिफरेंट है। हालांकि इसमें एक सीईओ के भी नियुक्त करने का प्रावधान है। तो इसमें सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो इनको ये कौन है, ये श्री अमिताभ कांत जी हैं। इसे आप जरूर नोट रखें कि सीईओ कौन है, श्री अमिताभ कांत जी हैं। और इसके इस समय वाइस चेयरपर्सन कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार जी। और एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन मींस चेयरपर्सन कौन है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वही एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होगा। तो आई होप कि आप जो है इसको इस मतलब यहां पर आपको इस नीति आयोग के जो एस्टैब्लिशमेंट थी उसका फुल फॉर्म आपने जान लिया, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है ये आपने जान लिया, और उसके बाद आपने नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन है, सीईओ कौन है, और ये सारी चीज़ें आपने जान ली। तो अब क्या हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम ये डिस्कशन करें कि वास्तव में प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या मेन डिफरेंस है। आप लोगों को पहले ही बताया गया कि प्लानिंग कमीशन वाज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉप डाउन अप्रोच, और अब ये नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच इसका है। नीचे से जो बातें आएंगी दैट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय दोज हु आर सीटिंग एट द टॉप, यानी जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर उन्हें नीचे वालों की बातों को सुनना होगा, उसे अब कोई इग्नोर नहीं कर सकता, और सभी लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आधार पर काम करेंगे और एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। जो नेशनल प्रायोरिटीज होंगी उनके अनुसार प्लानिंग होगी और फिर आगे उसी तरीके से बढ़ा जाएगा। तो नीति आयोग के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है समझ पाए होंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग देख रहे थे, क्या ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, नीति आयोग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें हम लोगों को डिस्कस करना जरूरी है, तभी हम आगे की बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर आप देखें तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैराडिग्म इन विच द गवर्नमेंट एज इनेबलर, अभी अब गवर्नमेंट जो है ना इनेबलर के रूप में काम करेगी रेदर देन प्रोवाइडर। इनेबलर का मतलब होता है कि जो आपको शक्ति दे, पावर दे, जो आपको आपको मतलब कोई चीज पॉसिबल बनाए आपके लिए, वो इनेबलर कहलाता है। और प्रोवाइडर जो आपको सीधे सीधे कोई चीज ले आकर के और आपको दे दिया, नहीं हम इस तरह से चीजों को, आप जैसे फैसिलिटेटर की भूमिका है तो इनेबलर को आप थोड़ा सा फैसिलिटेट देख सकते हैं कि आई विल फैसिलिटेट यू, विल गिव यू ऑल द रिसोर्सेस दैट इज रिक्वायर्ड, बट यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट वन। आपको अपनी जो इनोवेशन है उसको आप सरफेस पर आप ही ले आएंगे, हम आपको कोई चीज बनी बनाई चीज नहीं देंगे, यानी कि कोई चीज प्रोवाइड नहीं करेंगे। बट What we will be doing, we will be providing you all the possibilities that is required to realize the goal actually. Number one. अब number two पर अगर आप देखें तो पहले हमारा purpose होता था कि किसी तरह से लोगों को food securities या जो basic चीजें हैं वो मिल जाएं और वो उसकी स्थिति, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि अब हमने क्या कर दिया है, अब हमने कर दिया है प्रोडक्ट रियलाइज करना है। यानी एग्रीकल्चर अगर देखें तो बहुत लोग लिमिटेड सेंस में उसको यूज करते हैं। इफ यू लुक एट तो एग्रीकल्चर सेक्टर में के साथ साथ जो साइमल्टेनियस एक्टिविटीज यानी हैं उनको भी बढ़ावा देना। जैसे अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां पर ही पैकेजिंग,
और उनके ट्रांसपोर्टेशन, उनकी ब्रांडिंग और भी चीजें जिसको हम बहुत दूर ले जा करके करते हैं, अगर ऑन द स्पॉट हम उसको प्रोवाइड करें तो वहां पर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब बन सकता है और बहुत सारे लोग रोजगार परक हो सकते हैं। तो इन चीजों पर मतलब हमें ध्यान देना है इस नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार। फिर अब ऐसा भी नहीं है कि आप जो है एक साइलेंट स्पेक्टेटर हो कहीं पर। नीति आयोग कहता है कि हम डिबेट्स और डेलिब्रेशंस में मतलब हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, जिससे हम कोई नई चीज, कोई इनोवेटिव चीज निकाल करके ले आए और वो हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए वो बहुत फायदेमंद हो सकती हो। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा मिडिल क्लास है, हमारा मिडिल क्लास आप जानते हैं सबसे वाइब्रेंट क्लास माना जाता है, क्योंकि ये सीखने के लिए भी और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सबसे अग्रणी क्लास होता है। तो अब उसके पोटेंशियल को हमें यूटिलाइज करना है। वो किस तरीके से हमें उसके पोटेंशियल को यूटिलाइज करना है? बाय उनको हम कई ऐसे क्षेत्रों को, कई ऐसे एवेन्यूज उनके लिए बनाएंगे जिसमें वो और कई अपने साथियों को लेंगे और फिर एक एक क्लस्टर बना करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जैसे मेक इन इंडिया और ये सब जो बाद में जो पॉलिसीज जो आई, जो मतलब उनके प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स, वो सब उसी का एक रिफ्लेक्शन था कि हमें कैसे अधिक से अधिक लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में शामिल करना है। अब जो हमारी एंटरप्रेन्योरियल, जो हम लोग कितने व्यावसायिक, किस तरह के हैं, जो व्यावसायिक हमारा एटीट्यूड है वो कितना लो लेवल का होता है, उसको मतलब हमें एक प्रोफेशनल बनाना, आगे ले जा करके लोगों की एक्टिविटी को इस तरह से शार्प करना और फिर उसे प्रोफेशनल बनाना, जिससे कि उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट और इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो सके। तो आई होप कि ये चीजें जो है आपको जरूर समझ में आई होंगी। अब इसके साथ साथ ये इस बात पर भी बहुत बल देता है कि आप टेक्नोलॉजी के यूज को कितना ऑप्टिमम करते हैं और आगे चल करके आप उसके लिए कितना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इफ यू आर लुक एट, तो आपको एक चीज यहां पर देखनी है, समझनी है कि अब नीति आयोग ने एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, किसी भी देश की इकोनॉमी में एक प्लानिंग होती है बहुत लंबे काल के लिए और एक प्लानिंग होती है छोटी, जैसे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए, और एक प्लानिंग होती है 5 साल से अधिक के लिए, इसमें कई 5 ईयर प्लान्स आ सकती हैं। तो जो प्लानिंग कम से कम 20 वर्ष के लिए हो उसको हम लोग पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहते हैं, और जो प्लानिंग आप जानते हैं कि 5 ईयर्स के लिए है दैट इज नोन एज 5 ईयर प्लान्स, और कभी कभी प्लानिंग 1 वर्ष की ही होती है तो दैट इज नोन एज ईयरली प्लान। तो इस तरह से इफ यू लुक एट कि जो पर्सपेक्टिव प्लानिंग होती है उसका ऑब्जेक्टिव है स्ट्रक्चरल चेंजेज इन इकोनॉमी। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग अबाउट स्ट्रक्चरल चेंजेज इन द इकोनॉमी, वाइल ऑन द अदर हैंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर्स प्लान इज टू ब्रिंग अबाउट क्वांटिटेटिव चेंजेज। यहां पर क्वांटिटेटिव चेंजेज को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं ये 5 ईयर प्लान डिटरमाइन करता है। आप इसे कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है, और जो पर्सपेक्टिव प्लानिंग है दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेयर बोथ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स बोथ आर इंक्लूडेड। तो आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे। अगर कहीं कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल टेक अप इट, यू डोंट वरी। अब नीति आयोग के क्या क्या कार्य हैं,
what are the functions of Niti Aayog? We have to discuss the functions of Niti Aayog. क्या प्रॉब्लम है किसी को? आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं? अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो प्लीज टेल मी, इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी ऑडियो प्रॉब्लम या वीडियो प्रॉब्लम? इफ यू हैव यू कैन टेल मी. अगर आपको कोई ऑडियो या वीडियो प्रॉब्लम है तो प्लीज यू मस्ट शेयर विद मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट. अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रही है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या जो है प्रॉब्लम आपको हो पा रही है, तो इफ यू डियर स्टूडेंट्स लुक एट डिफरेंट जो समस्या है, अभी हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है. यस, सेकंड ऑब्जेक्टिव आपने पूछा, सेकंड पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज प्रोग्रेस फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू फोकस ऑन अ मिक्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ साथ में जो रिलेटिव एक्टिविटीज हैं उनको भी कैरी आउट करना, इट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग एज वेल एज एक्चुअल रिटर्न्स दैट फार्मर्स गेट फ्रॉम दियर प्रोड्यूस. तो उसका पर्पज उनका ये है कि फार्मर्स की जो इनकम है दैट कैन बी इंक्रीज्ड, जिसे हम आगे बढ़ा सकें. तो आई होप कि आप समझ लिए होंगे इसको. ओके, आई एम रिपीटिंग सिमरन कुमारी, आई एम रिपीटिंग बेटा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव. पहला ऑब्जेक्टिव आप नोट करें कि पहले गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इज टू एक्ट एज एन इनेबलर रेदर देन अ प्रोवाइडर. गवर्नमेंट को इनेबलर के रूप में काम करना है, यानी कि वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगी गवर्नमेंट जो चीजों को एक उनके सामने, जो स्टेट्स होंगे उनके सामने पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगी, सारी चीजें उनको वो माहौल देंगे, बजाय इसके कि वो चीजें ले करके और बना करके उनको सीधे डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिए. तो इसका अब इसमें जो छिपी हुई बात है वो ये है कि टू इनवाइट ईच एंड एवरी पीपल, एवरी स्टेक होल्डर्स टू इंडल्ज इन एन इनोवेटिव एक्टिविटी. इसके पीछे का कारण ये है कि लोगों को नवोन्मेष में आगे बढ़ाना, जिससे हमारे यहां पर ही मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को जिससे हम रियलाइज कर सकें, जिसको हम पूर्ण कर सकें. अब बेटा दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है इसका, हमने बताया कि प्रोग्रेस फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू फोकस ऑन मिक्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. हमारा जो फूड सिक्योरिटी को लेकर के, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, मतलब फूड सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उससे इस्टैब्लिश होती है. नाउ अब एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के साथ साथ हमें और भी उसकी जो एंसिलरी गतिविधि है, उसकी जो एलाइड एक्टिविटीज हैं, दैट इज टू बी डेवलप्ड सो दैट द रिटर्न ऑफ द फार्मर्स वो इंक्रीज हो सके और वो अपने प्रोडक्शन का एक अच्छा गुड रिटर्न भी प्राप्त कर सके. अब उसके बाद हमने तीसरी चीज बताई थी कि इस बात को हम लोग इंश्योर करेंगे कि इंडिया इज एन एक्टिव प्लेयर इन द डिबेट्स एंड डेलिब्रेशन ऑन द ग्लोबल कॉमन्स. वैश्विक स्तर पर हम मतलब डिबेट्स और डेलिब्रेशंस जो भी चीजें होंगी, चाहे वो इकोनॉमी से हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें हमारा पार्टिसिपेशन होगा, जिससे कि हमारी एक आइडेंटिटी हो और हम उसको अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकें, अपने देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकें. मतलब हमारा जो दैट इज यू कैन अंडरस्टैंड मॉडर्नाइजेशन इन रियल सेंस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मीन बाय मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन रिफर्स टू कि पहली चीज ये है कि बाय चेंज इन टेक्नोलॉजी, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज यू नीड टू हैव अ इनोवेटिव काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी प्लस चेंज इन आउटलुक.
अगर आप अपने आउटलुक में चेंज नहीं लाते हैं और केवल टेक्नोलॉजी चेंज कर देने से आप अगर ये समझ रहे हो कि आप मॉडर्नाइजेशन को अचीव कर लेंगे, तो आई डोंट थिंक सो। पहली चीज ये कि भाई आप टेक्नोलॉजी आपने एक्सेप्ट कर ली नहीं, लेकिन आपके आउटलुक में, आउटलुक का चेंज क्या होता है, जो सोशल आउटलुक है कि वुमेन्स आर इक्वल टू मैन, यू नो वॉट एवर इम्पॉर्टेंस दैट इज टू बी गिवन इक्वली टू ऑल, न कोई छोटा न कोई बड़ा, और किसी तरह से कोई किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर नहीं होगा, दैट इज द चेंज इन सोशल आउटलुक। तो इन सब चीज़ों को वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमें काम करना है। जैसे आप देखें सोसाइटी में मतलब बहुत सारे डिविजन्स हैं, तो उन डिविजन्स पर भी कि ये कोई किसी तरह का कोई डिविजन नहीं है, वी हैव टू चेंज आवर सोशल आउटलुक कि एवरीबडी इज इक्वल एंड वी हैव टू गिव द इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में बच्चों रखने की हैं। अब हम लोग फंक्शंस ऑफ द नीति आयोग पर आते हैं। कार्य, ये तो ऑब्जेक्टिव था, लेकिन अभी हम लोग फंक्शंस ऑफ द नीति आयोग पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि एक शेयर्ड विजन, मतलब शेयर्ड थिंकिंग की बात होती है, मतलब साझी, जैसे हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि शेयर्ड कल्चर, मतलब हमारी साझी संस्कृति है। जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं डिफरेंट धर्म अनुयायी और सेक्ट के, इन सबों की एक साझी विरासत है, शेयर्ड कल्चर है, शेयर्ड बिलीफ है। तो उसी आधार पर यहाँ पर टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, वो कोई किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुँचाने वाला नहीं, बल्कि समाज के हर तबके को, हर व्यक्ति को अपने में इंक्लूड कर लेने वाला। यानी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी ये जो इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है उस पर यहां पर बात हो रही है। अब टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मैंने पहले ही कहा कि सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देना, जहां पर सभी लोग एक सपोर्ट इनिशिएटिव सबका होगा और सभी लोग एक साथ मिलकर के काम करेंगे। पॉइंट नंबर 3, टू डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट ऑल लेवल्स। प्लानिंग यानी प्लान को हमें चेकआउट करना है, एट ऑल लेवल्स का मतलब क्या है कि नीचे से लेकर के टॉप लेवल तक। ऐसा नहीं कि हम ऊपर बैठे हुए हैं और हमने प्लान कर लिया और जहां पर ये एग्जीक्यूट होना है, जिनको उसका फ्रूट मिलना है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि प्लानिंग शुड बी अ प्रॉपर प्लानिंग एंड इट शुड बी एट ऑल लेवल्स, एवरी स्टेक होल्डर्स टू बी कंसल्टेड एंड फर्दर नेक्स्ट एक्शन टू बी टेकन, तभी जो है हम किसी चीज के फ्रूट को रियलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, टू पे स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी दैट मे बी एट रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग। यू नो इफ यू लुक एट, देयर आर सो मेनी पीपल इन द कंट्री दोज हु आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द थिंग्स दैट दे शुड, मतलब जो जिन चीजों का लाभ उन्हें मिलना चाहिए उनको मिल नहीं रहा, जो रिस्क पर है। तो उनके लिए हमें सबसे प्राइम कंसर्न करना है, ये इसके फंक्शंस हैं नीति आयोग के। अब टू प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन की स्टेक होल्डर्स एंड नेशनल इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे लाइक माइंडेड, मतलब जो हमारी विचारधारा से सहमति रखते हैं, उन जैसे मतलब जो लोग थिंक टैंक है, जो सोचने वाले लोग हैं, उनसे हमें पार्टनरशिप करके, पार्टनरशिप को एनकरेज करके हम नई चीजें उनसे ले सकते हैं। आखिर में ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट क्या हुआ था, सबसे ज्यादा बेनिफिट ग्लोबलाइजेशन का क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सचेंज ऑफ व्यूज, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। तो उसने क्या किया, उसने हमको और हमने दूसरे को, तो यानी इट इज व्हाट, इट इज समथिंग like that a give and take process through which we can equally prosper,
आगे हम बढ़ सकते हैं बराबर सामान्य रूप से। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हम सबसे सबसे विचार लेंगे और सबको विचार देंगे। अगर उनका विचार हमारे परिस्थितियों के लिए ठीक है, हमारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को सूट करती है तो वी विल एक्सेप्ट दैट वन, और अगर नहीं सूट करती है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सूट न सूट करने का विचार कहाँ से आता है? सर कैन यू प्लीज रिपीट द थर्ड पॉइंट वंस अगेन, वर्षा नाथ। यस आई एम रिपीटिंग वर्षा, थर्ड पॉइंट वॉज दैट टू डेवलप मैकेनिज्म टू फार्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट ऑल लेवल्स, यानी प्लानिंग शुड बी डन एट ऑल लेवल्स। यहां इसका मतलब ये है वर्षा कि प्लानिंग टॉप लेवल पर कभी कभी हो जाती है और नीचे के लेवल पर प्लान कुछ भी नहीं किया जाता, न उनको अप्राइज किया जाता है कि व्हाट प्लानिंग हैव बीन डन एंड व्हाट इज गोइंग टू बी डन। तो ऑल दीज थिंग्स टू बी डेलिबरेटली डिसाइडेड एंड ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर शुड बी कंसल्टेड बिफोर द यू नो एक्सक्यूशन ऑफ एनी प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। आई होप कि आपको यह चीज समझ में आ गई होगी, अगर नहीं तो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में दें और हम आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स। फिर आगे बढ़ते हुए बच्चों, टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अब हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर भी ध्यान देना है। जो हमारी टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को आने वाली परिस्थितियों में किस तरह से हमें यूज करना है, किस तरीके से हम बदलती हुई परिस्थितियों में उसका यूज करेंगे, उसको हमें बहुत मतलब ऑप्टिमम लेवल पर ले जाना है और हमें बहुत अच्छे से उसको सोच करके आगे बढ़ना है और इम्प्लीमेंटेशन भी उसका करना है। इसे कहीं कोई एक ऐसा भी व्यक्ति न छूट जाए जिसको जरूरत थी और हम उस चीज से उसको महरूम रख पाए। तो इस तरीके से हमें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोगों को कहीं कोई डाउट है, और मैं किसी का कमेंट नहीं भी पढ़ पाया हूं तो फर्दर आई विल रीड इट आउट एंड गिव द राइट आंसर इन आवर नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग। बट बिफोर लीविंग डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव सम असाइनमेंट फॉर यू ऑल। आप असाइनमेंट को प्लीज जरूर ध्यान से देख लें और इस असाइनमेंट को हम डिस्कस भी कर लेते हैं अगर आप कहें तो। आप जरूर लिख लें इस असाइनमेंट को प्लीज। When did Planning Commission come into being? Planning Commission कब अस्तित्व में आया? My first question for one mark is when did Planning Commission come into being? Question number one. Question number two. What is full form of Niti Aayog? नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको लिखना है, यानी कि यू हैव टू एक्सपैंड नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, Who is the vice chairperson of Niti Aayog? Who is the vice chairperson of Niti Aayog? Question number four. Define plan. Question number five. What is the mixed economy? ये mixed economy question आज जो मैंने recapitulate किया था वहां से मैं पूछ रहा हूं, since it is important and many of you had asked, that is why I have included this question for your assignment. तो what is the mixed economy? ये पांचों questions एक एक number के हैं। Yes, Sushma, I am repeating बेटा। Once again I am repeating, you please tally it and make it correct. Number one question, when did Planning Commission come into being?
प्लानिंग कमीशन कब अस्तित्व में आया, योजना आयोग कब अस्तित्व में आया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है या नीति आयोग का पूरा नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन कौन है। क्वेश्चन नंबर फोर, डिफाइन प्लान, प्लान को, प्लान मीन्स योजना को परिभाषित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। यस, वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छा, 1950 योर आंसर इज करेक्ट स्टूडेंट्स, बट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक आल्सो। नेक्स्ट, अब जब आप 1950 लिख रहे हैं तो बेटर होगा कि यू जस्ट मेंशन इन मार्च 1950, एंड अगर आप वेरी एग्जैक्ट डेट इफ यू वॉन्ट टू राइट, यू राइट 15 मार्च 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, इट इज ऑफ 3 मार्क्स क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन। व्हाई डू वी नीड इकोनॉमिक प्लानिंग, हम इकोनॉमिक प्लानिंग, हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की आवश्यकता क्यों होती है। हम इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों करते हैं, क्वेश्चन अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाई डू वी नीड इकोनॉमिक प्लानिंग, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पर्सपेक्टिव प्लानिंग एंड 5 ईयर प्लानिंग। मैंने पर्सपेक्टिव प्लानिंग और 5 ईयर प्लानिंग दोनों डिस्कस किए हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार फिर से इसको डिस्कस कर दूंगा, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज। बट माई क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सपेक्टिव प्लानिंग एंड 5 ईयर प्लानिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन है ये, प्लीज नोट करें, एक्सप्लेन एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। पाठक जी, मैं रिपीट, मैं गौरी शंकर, मैं आई एम जस्ट रिपीटिंग, वंस अगेन आई विल रिपीट द क्वेश्चन, प्लीज क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि व्हाई डू बी नीड इकोनॉमिक प्लानिंग। नंबर टू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परस्पेक्टिव प्लानिंग एंड 5 ईयर प्लानिंग। लास्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के किन्हीं 4 ऑब्जेक्टिव्स को लिखें। सीता, यस, आई एम रेडी टू डिस्कस, आई थिंक यू आर आस्किंग डिफरेंस बिटवीन पर्सपेक्टिव प्लानिंग एंड 5 ईयर प्लानिंग, आई थिंक यू आर आस्किंग टू डिस्कस, यू आर आस्किंग टू डिस्कस द पर्सपेक्टिव प्लानिंग एंड 5 ईयर प्लानिंग। यस श्योर, इफ यू लुक एट पर्सपेक्टिव प्लानिंग इज टू बी अचीव्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कवरिंग मेनी 5 ईयर प्लान्स। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन केयरफुली, वंस अगेन आई एम डिस्कसिंग द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सपेक्टिव एंड 5 ईयर प्लानिंग। पर्सपेक्टिव प्लानिंग इज अचीव्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कवरिंग मेनी 5 ईयर प्लान्स, यू कैन से ऑफ 20 ईयर्स, यानी इट कवर्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज ऑफ 20 ईयर्स। वाइल ऑन द अदर हैंड, जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं,
शॉर्ट टर्म्स गोल्स टू बी अचीव्ड इन 5 ईयर्स। तो 5 ईयर प्लानिंग में मेनली शॉर्ट टर्म गोल्स आर टू बी अचीव्ड, वाइल अंडर पर्सपेक्टिव प्लानिंग में लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू बी वेरी क्लियर दैट अंडर पर्सपेक्टिव प्लानिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स व्हाट एवर अ कंट्री हैज डिसाइडेड दैट इज टू बी अचीव्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कवरिंग मेनी 5 ईयर प्लान्स। बट इन 5 ईयर प्लान्स ओनली शॉर्ट टर्म गोल्स टू बी अचीव्ड दैट इज विद इन 5 ईयर्स। पॉइंट नंबर टू, पर्सपेक्टिव प्लानिंग हैज जनरल गोल्स, इसके सामान्य गोल होते हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता है। व्हाइल ऑन द अदर हैंड जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं उनके स्पेसिफिक गोल्स होते हैं और हर 5 ईयर प्लान में उनके गोल्स वो बदलते रहते हैं। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ऑब्जेक्टिव कुछ दूसरा था और सेकेंड 5 ईयर प्लान में ऑब्जेक्टिव कुछ दूसरा हो गया। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान और यानी इट वेरीज फ्रॉम प्लान टू प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान में आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव वाज चेंज टू इस्टैब्लिश हैवी इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज की इस्टैब्लिशमेंट पर ज्यादा फोकस्ड था। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था कि सबसे पहले हम लोगों को जो पार्टीशन से पैदा हुई परिस्थितियां थी, जो अकाल फेमाइंस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा देना था, तो आवर प्लान वाज टू इंक्रीज एग्रो प्रोडक्ट्स। तो दैट इज व्हाई हियर आल्सो द जनरल प्लान्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट अंडर पर्सपेक्टिव प्लानिंग, व्हाइल अंडर 5 ईयर प्लान्स ओनली स्पेसिफिक गोल्स टू बी अचीव्ड एंड वेरिंग प्लान टू प्लान। नेक्स्ट बेटा, ये जो पर्सपेक्टिव प्लानिंग है इसका ऑब्जेक्टिव इट यू नो ब्रिंग्स अबाउट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। ये संरचनात्मक परिवर्तन पूरे इकोनॉमी में ले आता है। संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब कि इंस्टीट्यूशनल चेंजेज, स्ट्रक्चरल चेंजेज इट ब्रिंग्स अबाउट, जिसमें बहुत मतलब कैपिटल फॉर्मेशन, बहुत सारी चीजों की इस्टैब्लिशमेंट, जिसे एम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। व्हाइल ऑन द अदर हैंड 5 ईयर प्लान्स इट एम्स एट क्वांटिटेटिव चेंजेज, इट ब्रिंग्स अबाउट क्वांटिटेटिव चेंजेज। तो अगर आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आधार पर देखें तो जो 5 ईयर प्लान्स है इसको आप कह सकते हैं कि इट इज ग्रोथ ओरिएंटेड ओनली, और यहां पर ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों होता है इसमें पर्सपेक्टिव प्लानिंग। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और असाइनमेंट आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आई होप कि आप लोगों ने क्लास जरूर कुछ न कुछ आपको मिला होगा। तो मैं इस उम्मीद में कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे और खूब मेहनत करते रहिए, असाइनमेंट जरूर रोज पूरा कीजिए। फिर कल मिलते हैं 2 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार बच्चों।